अगर थोड़ा पीछे जाके देखेंगे एक दो साल के पहले तो कोई भी ऐसी फिल्म नहीं होती थी जिसको यू ए सर्टिफिकेट या यू सर्टिफिकेट मिलता हो वो भी जब ए थी तो उसमें कम से कम 20 मिनट 25 मिनट सीन कट करने पड़ते थे टीवी पे चलाने के लिए तो स्टारडम सिर्फ दो बार टीवी पे काम करता है तीन बार काम करता है चौथी बार काम नहीं करता इस फिल्म के लिए आ, सारे आर्टिस्ट कोई दो घंटे सो पाता था कोई तीन घंटे हम 24 घंटे हमारा शूट ऑलमोस्ट चलता रहता था चाहे वो यश हो चाहे देव हो चाहे ग्लोरी हो चाहे राजप्रेमी जी हो विनोद जी हो कभी किसी ने आके ये नहीं बोला यार इतने घंटे काम क्यों करवा रहे हो पत्रो मचा रखा है आपने भोजपुर इंडस्ट्री में वो मेरे विरोधी नहीं वो मेरे कॉम्पिटिटर हैं अगर आपके बारे में जब आपके आस के लोग बुराइयां करने लगे तो इसका मतलब आप बेहतर कर रहे हो एक मिथ हमने ये तोड़ा कि जो फिल्म बोलते थे लोग एक करोड़ बनेगी उसी को हम पचास लाख में बना देते हैं उन सुपर का क्या आपने बहुत नए नए कलाकारों को तो काम दिया पर उन सुपर का क्या आ, जिनकी फीस कहीं ना कहीं घटती नजर आ रही है तो तीन स्टार के अलावा भी लोग हैं जिनके साथ हम काम हमने अभी खेसारी के साथ हमारी एक फिल्म आ रही है वो भी करी है हमारी फिल्म कैसे होती है दो महीने पहले हमने प्रोजेक्ट सोचा तीसरे महीने से स्टार्ट करनी है स्टार की डेट तीन महीने में नहीं मिलती है नमस्कार बहुत स्वागत फिर एक बार आपका देसी भारत चैनल पर और मेरे साथ इस वक्त हैं बिफोर यू भोजपुरी को हेट कर रहे हैं संदीप सिंह साहब सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा बधाई इस वजह से देना चाहेंगे क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही चंदन परिणय गुंजा फिल्म देख मैं बाहर निकला हूँ बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि भोजपुरी की दुनिया में एक अलग ही इतिहास रचने के लिए आप तैयार हैं पर्सनली आप क्या कहना चाहेंगे ये प्लीज़ बताएं नहीं मैं ऐसा कुछ इतिहास रचने का कोई इरादा ऐसा नहीं है बस दरअसल टीवी के लिए हम कहें तो अच्छी फिल्मों की ज़रूरत है जो भोजपुरी में जो पहले फिल्में बनती थी भोजपुरी में एक से एक लोग पड़े हुए हैं जो फिल्में अच्छी बना रहे हैं ऐसा नहीं अच्छी नहीं बना रहे हैं और स्टारडम भी है लोगों का भोजपुरी में लेकिन आ, आप एक अगर थोड़ा पीछे जाके देखेंगे एक दो साल के पहले तो कोई भी ऐसी फिल्म नहीं होती थी जिसको यू सर्टिफिकेट या यू सर्टिफिकेट मिलता हो तो ए सर्टिफिकेट मोस्टली फिल्मों को मिलता था हम अगर फिल्में बाई करते थे फिल्में जब हमने बाई करी उसके दो दो साल लग जाते थे फिल्मों को यू होने में तो अगर हम फिल्में बाई करके नहीं चला पाते थे टी वी वो भी जब ए थी तो उसमें कम से कम 20 मिनट 25 मिनट सीन कट करने पड़ते थे टीवी पे चलाने के लिए तो आ, हमारे मैनेजमेंट का एक डिसीज़न आया कि क्यों ना हम अगर फिल्में भोजपुरी की फिल्में कोई थिएटर में चल नहीं रही हैं चाहे वो कोई भी फिल्म हो और मोस्टली दो तीन साल से बुरा हाल है थिएटर में वो कोई भी फिल्म हो सारी फिल्मों का बुरा हाल है अभी अगर कोई एक्सक्यूज़ करे कि कोरोना की वजह से ऐसा हुआ है तो मैं इस बात को नहीं मानता क्योंकि अगर प्री कोरोना देखने जाएंगे तो तभी भोजपुरी फिल्मों का यही हाल था चल तो नहीं रही थी थिएटर तो अगर हमें बनाना है तो थिएटर नहीं जब तक चल रहा है तब तक क्यों ना हम आ, ऐसे फिल्में बनाएं जो सीधा अगर हम थिएटर में लेके जाएं एक दो दिन चली चली नहीं चली फिर निकालते हैं तो एटलीस्ट टी वी उसका रिजल्ट अच्छा है और टी एक ऐसा गेम है जहाँ पर टी गेम चलता है और अगर टी में आपकी फिल्में फिल्में सिर्फ क्या होता है कि फिल्म अच्छी फिल्में एक बार आ जाती हैं दो बार आती हैं अगर स्टारडम है उसमें तो रीच की उनकी उनकी स्टारडम की वजह से रीच मिलती हुए फिल्में चल जाती हैं लेकिन अगर वो फिल्म अच्छी नहीं होगी तो स्टारडम सिर्फ दो बार टीवी पे काम करता है तीन बार काम करता है चौथी बार काम नहीं करता तो ऐसे में क्या होता है कि सब्जेक्ट काम करता है अगर एक स्टार है और अच्छे सब्जेक्ट में काम किया है तो फिर चार चांद लग जाता है रीच भी मिलती है फिल्म को फिर बार बार रिपीट वैल्यू भी मिलती है चाहे वो फिर उसके बाद अगर सब्जेक्ट अच्छा नहीं है तो कितना बड़ा भी स्टार हो टीवी पे एक दो बार जब डब्ल्यू टी पी प्रीमियर के बाद फिर फिल्में चलना बंद हो जाती है चाहे कोई भी हो वो सबको पता है इस इंडस्ट्री में मोस्टली धीरे धीरे सबको पता चल गया है कि फिल्में तो हमारा सिर्फ मकसद था कि टी वी ऐसी फिल्म बनाए जहाँ पर कुछ ऐसा सीन ना हो जहाँ पर टी वी पर हम किसी को रिमोट से स्विच करने का चांस दें समझ गए आप कि अगर टी को एक बार हमने स्विच किया दूसरे चैनल पर चले गए अगर कोई सीन ऐसा आ रहा है जहाँ जहाँ मैं अपने बहन के साथ बैठ के देख रहा हूँ मैं अपनी माँ के साथ बैठ के देख रहा हूँ तो वहाँ पर अगर टी एक फैमिली टीवी फैमिली की चीज़ है इसलिए टीवी वी और आ, इंटरनेट हमेशा इंडिविजुअल होता है अगर मोबाइल पे आप देखते हैं यूट्यूब पे देख तो वो इंडिविजुअल हो आप देख सकते हो कोई भी सीन आए कैसे भी आए बहन अकेले है तो वो देख सकती है भाई अकेले तो वो देख सकती लेकिन जब भाई बहन माँ बाप साथ में बैठ के देख रहे हैं उस वक्त अगर टी वी कुछ ऐसा सीन आता है तो बहन कुछ अलग काम करने लगेगी भाई कुछ इधर रिमोट करके करने लगा तो सबकी मतलब नज़र इधर उधर में तो क्या होता है उस समय टीवी स्विच हो जाता है तो कोई उठता है रिमोट से टीवी स्विच करके आई I मीन mean, टीवी स्विच मतलब दूसरे चैनल पे चला जाता है तो उस उतना वक्त क्यों हम किसी को दें टी को स्विच करने क्यों दें हम ऐसा कुछ डालें ही नहीं कंटेंट पे जब फिल्म चल रही थी इतनी अच्छी अच्छी फिल्में आपको बहुत सारी फिल्में जो टीवी पे बहुत चलती है तो मेरा सिर्फ मकसद यही है कि जो टीवी पे फिल्म हो उस वो अच्छी फिल्म हो और उसको हम किसी को स्विच करने का मौका ना दें दैट्स इट ये बताएँ स्टारकास्ट आपने इतनी बेहतरीन कर रखी है म्यूज़िक इतना सब बेहतरीन कर रखा है इतनी बड़ी इंडस्ट्री के को भी आप चला रहे हैं हर जगह कैसे रहते हैं या फिर आपकी टीम है या हर जगह पे आपकी नज़र कैसे होती है क्योंकि मैंने म्यूज़िक की बात करूं तो यह हम था स्टार कास्ट की बात करूँ अरे मैं बोलना चाहता हूँ देव जी जो आ, देव सिंह जो है विलन के किरदार में थे यहाँ पर आपने उनको बहुत अहम किरदार दिया ग्लोरी मोहनता आइटम गर्ल के लिए जानी जाती थी यहाँ पर उनको आपने एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि शायद करियर में उनके देखने को मिले यश कुमार एक कलर तो कैसे ये कास्टिंग भी आप ही करते हैं देखिए अगर जब हम किसी प्रोजेक्ट में मैं मोस्टली स्पेशली मेरी टीम ऐसा नहीं है मेरी टीम में नेहा है मारुदा है विशाल सब यहाँ पे आए हुए भी हैं नेहा विशाल मारू आई 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 है सर की टीम तो ऐसा नहीं है कि मैं अकेले मैं बट क्या होता है कि कैरेक्टर जब आपने इस फिल्म के कैरेक्टर की बात करी तो अच्छा इस फिल्म की एक ऐसी कहानी बताता हूँ जो शायद किसी को नहीं पता होगा जब मैं आ, आ, सब ग्रुप में था तभी इस फिल्म के कहानी के बारे में हमने सोचा था तो इस वन लाइनर तभी सोचा था और हमने कई लोगों को सुनाया भी था तब मैं खुद एज ए डायरेक्टर मैं सोचता था कि चैनल से निकल के मैं डायरेक्टर बनूं और कुछ, खुद ख़ुद फिल्म डायरेक्ट करूं उसमें मैं एक शो डायरेक्ट करता था बहुत हिट शो था वो बहुत खूब तो वो शो मैं जब डायरेक्ट करता था तभी मैंने दो तीन स्क्रिप्ट लिखी थी और एक स्क्रिप्ट ऐसी लिखी थी जो आ, ये क्या होता है कॉस्मॉस में एक, ऐसे लोगों के जो थाट होते हैं ना ऐसे घूमते रहते हैं तो ये कोई कह दे कि मेरी फिल्म उससे मिलती है तो मैं मानता हूँ कि ये गलत है कॉसमाउस में थॉट जैसे मेरे थॉट चल रहे हो सकता है कुछ किसी और के भी थॉट वैसे चल रहे हैं तो मैंने एक फिल्म उस समय सोची थी और उसके ठीक छः सात महीने बाद वो फिल्म रिलीज हो गई और पूरी स्क्रिप्ट हमने लिख ली थी मेरे मतलब जो थे जिनके साथ मैंने लिखी थी वो स्क्रिप्ट उस फिल्म का नाम था रानझना रानझना रिलीज हो गई तो हमने जाके थिएटर में देखा सिर्फ ये तो हमारी जो हमने सोची थी फिल्म वही फिल्म है तो वो एक ऐसी फिल्म थी जो कॉस में मतलब ऐसे थॉट लोगों को घूमता है किसी के तो हमने जब एक तभी एक थाट था मेरे जहन में कि मैं एक फिल्म बनाऊंगा जब भी मौका मुझे मिलेगा तो मैं ऐसी फिल्म तो मैं डायरेक्ट करने के लिए तभी इस चंदन पेड़े गुंजा को मैं डायरेक्ट करने की सोचा था नौ से दस साल पहले लेकिन उस समय कुछ सिचुएसन नहीं बनी तो फिर टी में ही चैनल में ही लगा रहा चैनल में लगा रहा उसके बाद जब हमारे पास एक प्लेटफॉर्म आया तो हमने इस फिल्म को लगा कि अब हमें फ़िल्म को बनानी चाहिए तो मैंने फिर उसमें एज ए कॉन्सेप्ट मेरा था बाकी नीलाब तिवारी जी ने बहुत अच्छे से इस पर काम किया अजीत जी जो इस फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर हैं संजू जी जो इसके एसोसिएट डायरेक्टर हैं उन लोगों ने फिल्म को बहुत अच्छा, बहुत मेहनत करी थी मैं बताऊं आपको कि इस फिल्म के लिए आ, सारे आर्टिस्ट कोई दो घंटे सो पाता था कोई तीन घंटे हम 24 घंटे हमारा शूट ऑलमोस्ट चलता रहता था आर्टिस्ट सारे सारे आर्टिस्ट ने बहुत कॉपरेट किया चाहे वो यश हो चाहे देव हो चाहे ग्लोरी हो चाहे राजप्रेमी जी हो विनोद जी हो कभी किसी ने आके ये नहीं बोला यार इतने घंटे काम क्यों करवा रहे हो लेकिन फिल्म जब बन रही थी उस समय सबको लग रहा था कुछ ना कुछ होगा और मैं आपको बताऊँ कि ये फिल्म ना जब मैंने सोची थी सबसे पहले मैंने क्या सोचा था हमने जैसे देव ने अपने इंटरव्यू में बोला कि मैं देव को ऑफर कर रहा था हंड्रेड परसेंट ऑफ़र कर रहा था तब मैंने यश की कास्टिंग सोची थी तो हम फिर मेरा लेकिन दिमाग कई बार घूमता रहता था मैंने आर्टिस्ट का नाम नहीं लूँगा मैंने इसके पहले एक आर्टिस्ट को जो जिसको यश के पहले मैंने जिसको सोचा था उसको भी किया तो उसने स्क्रिप्ट पढ़ी उसके बाद पढ़ने के बाद बोला कि अरे यार इसमें ना मुझे लास्ट में आ, एक शाहिद की फिल्म आई थी अभी कबीर सिंह तो बोला कबीर सिंह जैसी फीलिंग चाहिए मैं बोला कि तब तुम्हें फिल्मी सेंस बिल्कुल नहीं है ये स्क्रिप्ट नहीं चेंज हो सकती चाहे कुछ भी हो जाए तब मैं देव को करेक्टर उस करेक्टर में नहीं लेने वाला था क्योंकि उस समय क्या था नहीं। वो जो करेक्टर था कि मैंने सोचा था कि इसमें अयाज खान को रखूँगा और लेकिन वो जब हीरो कैंसिल तो फिर मैंने अयाज को भी कैंसिल किया फिर हमने आ, सोचा कि इसके बारे में यश के बारे में और फिर देव के बारे में कि जो भाई लगे ऐसा नहीं कि जो जिस हीरो को मैं ले रहा था वो देव उनके भाई नहीं लगते पिता भी सेम लग रहे थे पिता के पुत्र देव लग रहे थे दोनों का चेहरा सेम बिकॉज बिकॉज ना इस फिल्म के लिए कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट था तो हमने ना कास्टिंग बहुत बहुत टाइम लिया था कास्टिंग के लिए फिल्म शूट जब कास्टिंग हो गई ना तो उसके चार दिन के बाद ही फिल्म स्टार्ट हो गई क्योंकि क्योंकि फिर पता नहीं संजोग बने या ना बने संयोग फिर तो उसके बाद स्टार्ट हो गई फिल्म फिर उसके बाद दैट्स इट जो रिजल्ट आया वही रिजल्ट बहुत बेहतर है सर एक आखिरी सवाल मैं जानता हूँ आप बहुत बिजी हैं और एक वादा भी मैं जाते जाते लेके छोड़ूंगा आखिरी सवाल ये है कि उपद्रव मचा रखा है आपने भोजपुर इंडस्ट्री में आपको पता है आपके विरोधी कितने सब खड़े हो रहे हैं आपने धीरे धीरे काम करने का तरीका सलीका बहुत बदलाव आ गया है तो आ, कैसे देखते हैं आप इसको क्योंकि सोशल मीडिया वॉर भी लगातार जारी ही होता है यहाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप खुद ही समझ रहे होंगे नहीं नहीं मैं मेरा सिर्फ इतना मानना है मैं इसे विरोधी नहीं बोलूँगा आप किसी इंडस्ट्री में होते तो सिर्फ अगर एक आदमी उस इंडस्ट्री में काम करता है ना तो फिर उसका मतलब वो इंडस्ट्री ग्रो नहीं हो रही है राइट वो मेरे विरोधी नहीं वो मेरे कॉम्पिटिटर हैं तो अगर एक कॉम्पिटीटर दूसरे कॉम्पिटिटर को कुछ कहता है तो दैट्स इट उसमें कोई दिक्कत नहीं है इसका मतलब फिर आप बेहतर कर रहे हो अगर आपके बारे में एक गुरु फिल्म का डायलॉग है अगर आपके बारे में जब आपके आसपास के लोग बुराइयां करने लगे तो इसका मतलब आप बेहतर कर रहे हो तो मैं सेटिसफाइड हूँ और मेरी टीम मैं ऑनेस्टली बोलूँगा सिर्फ मैं नहीं मेरी टीम ये मारुदा नेहा विशाल आप देख सकते हैं इन लोगों ने मतलब सारी चीज़ें एक एक चीज़ों पे सब लोग मिलकर वर्क करते हैं और एक चीज़ एक डिसीजन ऐसा नहीं अगर मारुदा ने कुछ डिसाइड किया या नेहा ने कुछ डिसाइड किया विशाल ने कुछ डिसाइड किया हाँ ऑनेस्टली और एक बोलूँगा कि संजना भी हमारी क्रिएटिव टीम में है वो एज ए कंसल्टेंट हैं तो जो सबका एक डिसीजन होता है ना कि उसमें कहीं Uh, सबका मिला जुला एक डिसीजन होता है कि एक फिल्म को प्रोजेक्ट को कैसे लेके जाना सबसे बड़ी बात ना धर्म कि एक मिथ हमने ये तोड़ा कि जो फिल्म बोलते थे लोग एक करोड़ बनेगी उसी को हम पचास लाख में बना देते हैं अगला सवाल मेरा यही उन सुपर का क्या आपने बहुत नए नए कलाकारों को तो काम दिया पर उन सुपर का क्या जिनकी फीस कहीं ना कहीं घटती नजर आ रही है नहीं सुपरस्टार देखो वो मैं इस बात को हमेशा मानूंगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री अगर किसी ने शुरू करी तो उन्हीं लोगों ने शुरू करी मैं इसको कहीं नहीं मानता वो उन लोगों ने भोजपुरी इंडस्ट्री को बट उसमें मेकर को ध्यान रखने की ज़रूरत थी अगर मैं एज ए हीरो आता हूँ तो मुझे लगता है कि तो मैं थोड़ी बताऊँगा प्रोड्यूसर की कि ऐसे पिक्चर बनाओ प्रोड्यूसर बनाता वैसे पिक्चर राइट अगर प्रोड्यूसर ठान ले भाई मुझे करनी नहीं ऐसे पिक्चर तो मेक वो तो आर्टिस्ट हैं उनको जैसा बोलोगे वैसा करेंगे अब उसमें क्या कॉन्ट्रोडिक्शन है मुझे आज तक नहीं समझ में आया और बड़े स्टार के साथ हम भी कर रहे हैं ऐसा नहीं है उसमें आप मतलब अगर पैसे से बड़ा स्टार मानते हैं कि आ, मतलब देखिए यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं सर भोजपुरी दर्शकों को और मेरी भी नज़रों में बड़ा स्टार सुपरस्टार में तो वही है जो सबसे बड़ा पैसा ले रहा है हाँ देखिए वो उन्होंने 20 साल 15 साल मानता हूँ स्ट्रगल किया है अगर उतना स्ट्रगल करने के बाद अगर वो पैसा ले रहे हैं तो उसमें बुरा कुछ नहीं है राइट और वो अगर उनकी एक ऑडियंस है तो वो ऑडियंस मानना पड़ेगा कि उनके एक ऑडियंस है स्टार की एक ऑडियंस है वो स्टार पावर हर इंडस्ट्री में चलता है और यहाँ भी चलता है तो अगर वही तीन स्टार अगर फिल्म करेंगे तो बाकी का फिल्में बनना बंद हो जाएँगी तो तीन स्टार के अलावा भी लोग हैं जिनके साथ हम काम हमने अभी खेसारी के साथ हमारी एक फिल्म आ रही है वो भी करी है तो सबके साथ नेक्स्ट टू तो नेक्स्ट तो एक तो प्लान कर रहे हैं ऐसा नहीं है लेकिन उनके डेट की बहुत है। हमारी फिल्म कैसे होती है दो महीने पहले हमने प्रोजेक्ट सोचा तीसरे महीने से स्टार्ट करनी है स्टार की डेट तीन महीने में नहीं मिलती है उसके लिए बहुत प्लानिंग है एक साल पहले से प्लानिंग करना पड़ता है समझ गए आप तो ऐसा नहीं है हम पहले कॉन्सेप्ट सोचते हैं अगर उस कॉन्सेप्ट में लगेगा कि ये आना चाहिए तो उसी को लेके आते हैं वैसे ऐसा नहीं है और हाँ एक चीज है मैंने ये देखा कि अगर ये पूरा एक गेम ऐसा गेम है कि जहाँ पे जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर आते हैं उनके शौक़ के लिए प्रोड्यूसर फिल्में बनाते होंगे लेकिन जो बहुत दिन से बना रहे हैं वो बिज़नेस के लिए बना रहे हैं फिल्में तो जब आप बिज़नेस के लिए फिल्म बनाते हो ना तो आपको फिर सोचना पड़ता है कि मेरा और वो सब कुछ डिपेंड करता है कि आप एक फिल्म का कितना बजट रख रहे हो और उससे आप एंड ऑफ द डे आप उसमें प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा एटलीस्ट जितना पैसे आपने लगाए उतना तो मिलना चाहिए तो ये एक यू यु, हमारी यू फिल्म की कि भाई कम बजट में अच्छी फिल्म बनाओ धन्यवाद सर शुक्रिया इतना समय देने के लिए लेकिन जाते जाते एक वादा आपको करना होगा कि आप हमारे स्टूडियो में आएंगे देसी भारत के स्टूडियो में आएंगे क्योंकि आपसे बहुत सारी बातें करनी है थैंक यू थैंक यू सो मच यस वादा करिए सर हाँ जी हाँ जी <laughs> और बहुत बधाई फिर एक बार आपको चंदन परिणय गुंजा के लिए दोस्तों ये फिल्म रिलीज होते ही आप जरूर देखना क्योंकि मैंने खुद देख रखी है वाकई में मजा आ जाएगा पैसा वसूल है बने रहें देसी भारत के साथ